दोस्तों, मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है, अ डे इन माई लाइफ एट आई एम विशाखापट्टनम। उसमें मैंने एक बात बोला है जो मैं वापस बताता हूँ। जब आप MBA कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे असाइनमेंट्स आपको बहुत मिलते हैं, पर ज़्यादातर असाइनमेंट्स नहीं, ऑल असाइनमेंट्स ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं। क्यों ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं? क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे, तो अकेला कोई काम बहुत कम मिलेगा। जो काम मिलेगा आपको किसी के लिए या किसी के साथ करना पड़ेगा। तो MBA वाले कॉलेजेस चाहते हैं, IIMs चाहते हैं, XLYs चाहते हैं कि आप सब काम मिलजुल के करो। पहले दो टर्म्स में आपका ग्रुप कॉलेज ही बना देगा, तो आप पहले दो टर्म्स में तो आपको ग्रुप कॉलेज बना के ही देगा और आप काम करोगे, पर अगले टर्म्स में आप खुद से ग्रुप्स बनाओगे। जब ये ग्रुप्स बनते हैं तो हर ग्रुप में पहले दो टर्म के बाद पूरे सेक्शन में, पूरे क्लास में पता पड़ जाता है कौन लड़का कैसा काम करता है। और इसी तरह के लोग, ये काम ही एक तरह से बताता है कि कितने प्रकार के लोग IIM आते हैं। मैं आपको 7 प्रकार के लोगों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, जो हर MBA कॉलेज, हर बी स्कूल, हर IIM में दिखेगा। सबसे पहला होता है फ्री राइडर। फ्री राइडर वो होता है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो काम करेगा नहीं, उसे अपने नंबर का मतलब है नहीं। उसका जो ग्रुप असाइनमेंट का नंबर है वो बोलेगा रहने दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पास होना है, मैं बिना असाइनमेंट के पास हो जाऊंगा। अब अगर वो आपके ग्रुप में आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे? आप उसका काम बाकी 4 लोगों में बांट लोगे, अगर 5 लोगों की ग्रुप है तो, क्योंकि आप लोगों को तो नंबर से मतलब है, किसी को तो मतलब होगा। तो फ्री राइडर बिल्कुल काम नहीं करता। अगर आपके ग्रुप में आ गया तो आप गए, अगर सेकेंड टर्म के बाद फ्री राइडर्स को कोई ग्रुप में लेता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से ही लेगा। तो फ्री राइडर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और पता नहीं कैसे मैनेज करते फिर, ठीक है। सेकेंड, वन मैन आर्मी। ये वन मैन आर्मी वो होता है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्री राइडर उसे ग्रुप में आए कि नहीं आए। जनरली फ्री राइडर्स वन मैन आर्मी में भी जाते हैं अगर दोस्ती अच्छी हो तो। वन मैन आर्मी बोलता है कि मैं ग्रुप में काम नहीं कर सकता, ना मुझे करना है, तुम्हारे साथ मीटिंग करो, तुम्हारे साथ ये करो, तुम्हें समझाओ, मैं अकेला प्रोजेक्ट कर दूंगा कि मुझे तो टॉप आना है। ये होता है वन मैन आर्मी। जनरली जो 10th में टॉप, 12th में टॉप, टॉप मतलब टॉप, स्कूल टॉप, कॉलेज टॉप करके आए हैं, वो लोग वन मैन आर्मी होते हैं, पढ़ाकू वाले लोग, ठीक है। थर्ड होता है कॉपी पेस्ट का है। ये बंदा क्या करता है, काम कर दूंगा, मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, पर काम सारा कॉपी पेस्टेड गूगल से। अब IIMs में क्या होता है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करके लिखे हो तो वो लोग एक ऐप में डालते हैं, एक टूल में डालते हैं जिसे प्लेगरिज्म चेक होता है। प्लेगरिज्म मतलब कॉपी कर लिया आपने। अगर आप 4 या 5 लाइन से ज़्यादा पूरा कॉपी कर दो तो आपका प्लेगरिज्म हो जाता है। प्लेगरिज्म में मार्क्स तो आपको 0 मिलता है, पर 2-3 बार अगर आप प्लेगरिज्म कर दो तो IIMs ने पहले निकाल दिया है कॉलेज से। IIMs टेक प्लेगरिज्म वेरी सीरियसली। अगर आपने कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट दिया है, IIMs डिग्री नहीं देते, निकाल देते कॉलेज से। तो इससे तो बच के रहना है, खतरा है। कॉपी पेस्ट गाय वाले को बोलना है कॉपी पेस्ट करो तो ChatGPT में उसको चेंज कर दो, नया आ गया है ChatGPT, तो आप कॉपी पेस्ट गाय के लिए तो बहुत आराम है, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया, ChatGPT को बोलना है प्लीज़ चेंज दिस एंड रिमूव प्लेगरिज्म, रिमूव कर देगा, ठीक है। चौथा, परफेक्शनिस्ट। ये क्या करता है, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, काम करेगा, खुद ज़्यादा करेगा, लोगों से करवाएगा, फिर बोलेगा यार इसमें ये फॉन्ट सही नहीं है PPT में, इसमें स्पेसिंग सही नहीं है, हमें और रिसर्च करना चाहिए, प्रोजेक्ट आपको 2 महीने बाद देना है, हमें आज ही से काम करना है, कमिटी का काम को मारो गोली, हमें प्रोजेक्ट करना है, मार्क्स को मारो गोली, क्विज को मारो गोली, हमें प्रोजेक्ट करना है। इसको प्रोजेक्ट की बहुत लगी रहती है, परफेक्शनिस्ट है, हो तो बढ़िया भी है, नुकसान भी है। फिफ्थ, मैथ आइए, द बिजी गाय। जनरली द बिजी गाय कमिटी में बिजी रहता है। अगर कोई प्लेसमेंट कमेटी का बंदा है, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया, तो आप हर दिन 2-3 घंटे प्लेसमेंट कमेटी का काम करोगे। मैं हर दिन 11 से 1 हमारी मीटिंग होती थी और 2 घंटे का और काम था। तो कॉलेज वाले बच्चे भी जानते हैं, वो थोड़ा छूट दे देते कमेटी वाले बच्चों को। ये बिजी गाय होता है, ये लेट से मीटिंग में आ सकता है, ये हर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, अपना काम कम लेके करके दे सकता है। इसको थोड़ा आपको लीनियंसी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जॉब तो यही करवाएगा, ठीक है। 6th और 7th, ये अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं। 6th होता है कोटलर, 7th होता है द फाइनेंस गाय। कोटलर मतलब मार्केटिंग का उस्ताद, 7th फाइनेंस मतलब फाइनेंस गाय का उस्ताद। फाइनेंस गाय जनरली हर बच्चों को फाइनेंस अकाउंटिंग समझाता है, मार्केटिंग वाला बच्चा हर प्रोजेक्ट में मार्केटिंग का एंगल लाता है और मार्केटिंग के इनपुट्स देता है। ये हुए 7 बच्चे IIMs के। आप कौन से बच्चे हो, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ। स्टे सेफ एंड टेक केयर।